और ये उम्र ठीक है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि तब तक हम दोनों अलग अलग कमरे में रहें। आपको जितना वक्त चाहिए आप लेने, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, लौट के मेरे पास ही आना है। फाइनली वही हुआ जिसका डर था। नया ताल्लुक जोड़ लिया उसने मेरी इजाजत के बगैर, रुस्वा कर दिया सारे जमाने के सामने। मम्मी, मम्मी प्लीज प्लीज आप इतना गुस्सा ना करें, आपके लिए ठीक नहीं है। माँ की इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया उसने, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी और अपने घर में नहीं रहने दूंगी उसे। मम्मी प्लीज ठंडे दिमाग से सोचे, वो धमकी देकर गई है कि अगर आपने उसे उस घर में रहने ना दिया तो वो उमर और अफान दोनों को लेकर वहां से चली जाएगी। और अफान की धमकी भी आपने सुन ली थी कि वो एनी के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या मैं डरती रहूं उसकी धमकियों से? ये सब एमल की वजह से हुआ है, ये रोक नहीं सकी अपनी बहन को। मम्मी मैंने तो कोशिश की थी मगर। मम्मी मम्मी प्लीज हम इसके बारे में सुबह बात कर लेते हैं, अभी घर चलते हैं। हाय हाय शहरयार, वो लड़की मेरी बेटी की खुशियों को खा गई, मेरी इस बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, और तुम कह रहे हो कल बात करेंगे? मेरी बेटी आज की रात अंगारों पर गुजारेगी और तुम्हें कल बात करनी है? इतनी आसानी से मेरे बेटे पर काबिज नहीं हो सकती। मैं कह रही थी ना तुम लोगों से कि पता करो वो कहां चला गया, लेकिन तुम लोग मुझे टालते रहे। तुम्हें तो पता होगा ना इमल। मम्मी प्लीज मुझे इसमें शामिल ना करें, सच में मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। मम्मी कितनी बार तो मैंने उसे कॉल्स किया आपके सामने भी, और उसके बाद उसने फोन बंद कर दिया। तो अपने ससुराल वालों को ही कर लेते फोन, या यूं कहो कि इमल भी मिली हुई थी, तुम सब मिले हुए थे। घर तोड़वा दिया मेरी बच्ची का, अच्छा भला घर बस रहा था। मैं कह रही थी ना तुम्हें अफान उसके घर गया होगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं जो कह रही थी सब सच था। प्लीज खाला, मेरे ससुराल वालों ने ना मेरा फोन उठाया ना इमल का, हमने बहुत कॉल्स किए उन्हें। इसलिए नहीं उठाया कि वहां तो अपनी बेवा बेटी को निपटाने की तैयारियां चल रही थी, बैठे बैठा इस घर का एक और बेटा जो मिल गया। अब मेरी बेटी का क्या होगा बाजी, इसे कौन पूछेगा? अरे पूछ लेगा कोई भी, मैं यहाँ अपने बेटे के लिए परेशान हूँ और तुम्हें अपनी बेटी की पड़ी है। आप अफान को पूछेगा जरूर कि उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। हाँ पूछ लूंगी। गाड़ियां मंगवा रहा हूँ आप लोग आ जाएंगे।